हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड द्वारा जो क्लास टेंथ का क्वेश्चन बैंक भेजा गया है उसके क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चंस हैं हम लोग उनके सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, उनके सॉल्यूशन देखेंगे कि जो क्वेश्चन बैंक है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन हैं और उनके सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन बैंक आया है उसके हिसाब से जो अध्याय दो है, आज हम लोग अध्याय दो की बात करने वाले हैं। अध्याय दो जो है वो बहुपद है। इस अध्याय दो से कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, अध्याय एक भी हम लोग पढ़ेंगे। अध्याय एक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन आज हम लोग बहुपद से स्टार्ट कर रहे हैं, अध्याय दो से। ठीक है, तो आप अगर सीखना चाहते हैं, क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन को पूरी तरह से समझना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसके आगे जो भी वीडियो आएंगे उनका भी आप प्रॉपर देखें और उनका सोल्यूशन मेंटेन करें। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, जो अध्याय दो है बहुपद, इसके क्वेश्चंस जो है जिस प्रकार ऑब्जेक्टिव हैं, खाली स्थान है, जो भी है, और जो क्वेश्चंस है जिस प्रकार के दिए हुए हैं इसमें क्वेश्चन बैंक में, हम लोग उनके सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज। तो सबसे पहला इसमें तो हमने जैसे बताया इससे टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से 3 ऑब्जेक्टिव है और 1 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब छोटे क्वेश्चन पूछने हैं इसमें, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आने हैं। तो सही विकल्प जो है, सबसे पहले जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सही विकल्प जो पहला क्वेश्चन है कि अगर एक द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान बताओ। देखो, अगर कोई भी बहुपद होता है बेटा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, अगर इसके शून्यक अल्फा और बीटा है तो इसके शून्यकों का योगफल होता है माइनस बी अपॉन ए, और शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है सी अपॉन ए। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो अपन से पूछा है पहले क्वेश्चन में शून्य का गुणनफल, तो शून्य का गुणनफल होता है सी अपॉन ए, मतलब इसका ऑप्शन ए सही है। इसी तरह द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के शून्य अगर अल्फा और बीटा है तो इनका योगफल, तो इनका योगफल क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, मतलब इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा जो क्वेश्चन है, रेखीय बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक क्या होगा। तो शून्यक निकालने के लिए कोई भी बहुपद अगर शून्यक है तो उसको शून्य के बराबर कर दो बेटा। इसको अगर हम शून्य के बराबर करेंगे तो ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सी सही है, शून्यकों का योग इसमें बोला है शून्यक क्या होगा, तो रेखीय बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक जो होगा वो माइनस बी अपॉन ए होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, इसका ऑप्शन सी सही है। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड तो हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन जो हमारे पास है, इस बहुपद के शून्यक क्या होंगे। ए जो बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री के शून्यक निकालना है, तो हम लोग शून्यक निकालने में किसी बहुपद को शून्य के बराबर करते हैं और हम इस 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम लोग आइडेंटिटी लगाएंगे यहाँ पे। आइडेंटिटी पता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये सर्वसमी का लगाएंगे यहाँ पे। तो ए माइनस रूट एक्स माइनस √3 इंटू एक्स प्लस √3 इक्वल टू 0 होगा बेटा। तो अब शून्य निकालना है तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम लोग करेंगे एक्स माइनस √3 को इक्वल टू 0 और एक बार एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स बराबर आएगा √3 और यहाँ से आएगा एक्स बराबर माइनस √3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बेटा प्लस माइनस एक्स बराबर प्लस माइनस √3 होगा, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस शून्य हम लोगों ने निकाल लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसको देखते हैं सोल्यूशन। तो हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, एक बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 7x + 10x, इसके हमको बोला शून्य क्या होंगे। तो बेटा शून्य का अगर निकालना है तो इसको गुणनखंड से अपन निकाल सकते हैं, इसके शून्य कर दो, इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, इक्वल टू 0 कर दो, या फिर इसके सीधे गुणनखंड कर देते हैं, पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसके गुणनखंड कर लीजिए, तो इसके गुणनखंड करेंगे, देखिए कैसे पता चलता है, यहाँ पे 1 है, तो हमको दो नंबर सोचना है जिनका मल्टीप्लाई करने पे 10 आए, ऐसे दो नंबर सोचना है, ऐसी दो संख्याएं सोचना है जिनका गुणा करने पे 10 आए और जोड़ने पर क्या है, जोड़ने पर 7। तो बेटा हमारे पास ऐसे नंबर हैं 5 2 जा 10, 5 और 5 + 2 होता है 7।
तो हम लोग इसको ब्रेक कर देंगे, इस 7 को हम लोग लिखेंगे 2 प्लस 5, ठीक है। मध्य पद को हम लोग क्या कर देते हैं, दो भागों में विभाजित कर देते हैं, 7 को ऐसे लिखेंगे 2 प्लस 5, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 5x बराबर 10। तो यहाँ से पेयर बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक पेयर बन जाएगा, और यहाँ से 5x प्लस 10 एक पेयर ये बनेगा। यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लें x प्लस 2, और यहाँ से हम लोग 5 कॉमन ले लें x प्लस 2, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब इस बहुपद का शून्यक निकालना है, तो गुणनखंड जो हमारे पास आ रहे हैं x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे दोनों दोनों से, बचेगा x प्लस 5। तो अब इस बहुपद का मान शून्य कब होगा, इस बहुपद का मान शून्य तब होगा जब x प्लस 2 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर माइनस 2 और यहाँ से आएगा x बराबर माइनस 5। तो इस बहुपद के जो शून्यक हैं वो क्या है, x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू माइनस 5, ठीक है। गुणनखंड करके शून्यक निकाल लेना है, तो शून्यक ऐसे निकलेगा। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5th हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ऑब्जेक्टिव जो है, इसमें बोला है ये जो बहुपद दिया है एक्स प्लस 1 इंटू, हमारे पास एक बहुपद दिया है एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर एक्स एक्स की पावर 4 प्लस 1, तो बोला इसकी घात क्या होगी। तो घात कैसे पता चलेगी, इसका गुणा कर लेते हैं। गुणा करने पर सबसे बड़ी जो घात होगी, तो इसका हम इससे गुणा करेंगे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, सबसे गुणा करेंगे तो एक्स की पावर 3, ठीक है, एक्स का तीनों से गुणा करेंगे, एक्स पावर 3, एक्स की पावर 2, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड करके लिख देता हूँ ईजी करने के लिए, ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ से x और यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर एक्स एक्स की पावर 4 प्लस 1, और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स 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 की पावर 4 प्लस 1, ठीक है। तो प्लस 1, अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं x का अंदर, तो x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 5, x एक्स स्क्वायर एक्स एक्स की पावर 4 प्लस 1, ठीक है। सबसे बड़ी पावर अगर देखें हम, तो सबसे बड़ी जो पावर होगी अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो x की सबसे बड़ी पावर 5 है, तो यही बहुपद की घात कहलाएगी। जोड़ना घटाना भी हम लोग कर सकते हैं, इसको इससे कैंसिल करेंगे, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो पावर आएगी एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 5, एक्स पावर 4 प्लस 1, तो सबसे बड़ी पावर आएगी एक्स पावर 5। तो सबसे बड़ी पावर से ही मतलब है हमें, सबसे बड़ी जो पावर थी वो 5 थी इस बहुपद की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया 6, क्वेश्चन नंबर 7 में यदि द्विघात बहुपद के शून्यक दिया है तो बहुपद क्या होगा। देखिए, अगर किसी बहुपद के शून्यक दिया है, ठीक है, अल्फा और बीटा अगर ये शून्यक दिए हुए हैं, ठीक है, अगर किसी बहुपद के शून्यक दिए हैं, तो बहुपद जो होता है वो बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बहुपद होता है। अगर एक बहुपद के शून्यक हमें दिया है तो हम लोग बहुपद ऐसे निकाल सकते हैं। तो इस केस में जो बहुपद होगा, अब देखिए शून्यक दिया है मतलब ये अल्फा है और ये बीटा है, तो माइनस 3 प्लस 4, ठीक है। इस केस में अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस 3, और बीटा की वैल्यू कितनी है, 4, तो यहाँ रख देंगे एक्स और माइनस 3 इंटू 4, ठीक है। तो बहुपद हम लोग निकाल लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 4 माइनस 3 तो 1 आएगा, इंटू एक्स, यहाँ पे आएगा 12, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, तो इसमें से कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। तो बहुत सिंपल होता है, अगर हमें फार्मूला याद है तो हम लोग कर सकते हैं इस फार्मूले से, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 जो है, किसी बहुपद के कुल शून्यक उस बहुपद के अरेख निम्नलिखित व प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होता है। तो कोई भी बहुपद के जो शून्यक होते हैं, जो किसी बहुपद का अगर ग्राफ ऐसे है तो वो एक्स एक्सिस को कितने बिंदुओं पे काटता है वही उसके शून्यक होते हैं। जैसे इस केस में मान लो ऐसा है तो ये 3 बिंदुओं पे काट रहा है ना, इस केस में 3 बिंदुओं पे काट रहा है तो इसके शून्यक हो जाएंगे 3। तो एक्स अक्ष पे ही होता है, तो एक्स अक्ष के वो किन बिंदुओं पर काट रहा है, कितने बिंदुओं पर काट रहा है। तो लिखा है किसी बहुपद के कुल शून्यक उस बहुपद के अरेख निम्नलिखित प्रतिच्छेद बिंदुओं प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होती है। तो इसका आंसर है एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, अब चलते हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, रिक्त स्थान। ठीक है, अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे ऑब्जेक्टिव जो मल्टीपल चॉइस थे उनके हम लोगों ने सोल्यूशन देखा। अब देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, खाली स्थान हमने देखना है। तो खाली स्थान की बात करें तो अभी हम लोगों ने किया था, सबसे पहला खाली स्थान है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो रेखीय बहुपद इस ए एक्स प्लस बी का शून्य, अभी हम लोगों ने निकाला था ए एक्स प्लस बी एक्स का अगर शून्य निकालना तो इसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो ए एक्स बराबर माइनस बी, तो एक्स बराबर यहाँ से आएगा माइनस बी अपॉन ए, तो इसका जो आंसर है माइनस बी अपॉन ए। फिर दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद ही होता है, अगर हम दो बहुपद का गुणा करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा, बहुपद ही आएगा। ठीक है, दो बहुपदों का गुणनफल एक, दो बहुपदों का गुणनफल भी एक बहुपद ही होता है। ठीक है, दो बहुपद का गुणनफल एक बहुपद ही होता है। फिर शून्यकों का योगफल, इस बहुपद के शून्यकों का योगफल, ठीक है, अगर कोई बहुपद दिया है उसके शून्यकों का योगफल होता है माइनस बी अपॉन ए, तो इस केस में बी की वैल्यू कितनी है 4 और ए की वैल्यू कितनी है इधर पे 1। ठीक है, अगर हम लोग तुलना करें इस क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें, शून्यकों का योगफल निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, इसकी अगर तुलना हम लोग ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी 1 और बी की वैल्यू होगी बी की वैल्यू होगी 4 और सी की वैल्यू होगी 8। तो शून्यकों का योगफल जो होता है वो होता है माइनस बी अपॉन 8 ए, तो माइनस 4 और ए की वैल्यू 1 है तो माइनस 4 आएगा, इसके शून्यकों का योगफल माइनस 4 आएगा और शून्यकों का इसके शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है ए इंटू बी, अल्फा इंटू बीटा वो होता है सी अपॉन ए, तो इस केस में सी की वैल्यू कितनी है 8, तो 8/1, तो इसका आंसर आएगा 8 आएगा। ठीक है, अब बात करें इस बहुपद के, अगर एक बहुपद दिया है और एक शून्यक माइनस 3 है तो k का मान निकालना है। ठीक है, तो इस बहुपद में हमें इस बहुपद का एक शून्यक दे रखा है, तो देखिए शून्यक अगर दे रखा है इस बहुपद का px का हमें शून्यक दे रखा है, तो शून्यक क्या होता है, शून्यक होता है x का वह मान जिसको रखने पर उसका मान 0 हो जाए। तो इस अगर हम लोग इस बहुपद में, ठीक है, इस बहुपद में अगर हम लोग k x का मान अगर हम लोग 3 रख दें तो इसका मान 0 होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब p माइनस 3 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0। इस बहुपद में हम लोग x की जगह पे क्या रख देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमें क्या करना है, हमें x की जगह पे रख देना है माइनस 3, तो माइनस 3 अब जहाँ जहाँ x है यहाँ रख दो, यहाँ रख दो और इक्वल टू इसको 0 कर दो, k इंटू माइनस 3 प्लस 1 बराबर 0 होना चाहिए। तो k माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3k और प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 6k और इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा माइनस 8 बराबर 0। तो 6k माइनस 8 बराबर 0, तो 6k बराबर 8, तो k बराबर 8/6 मतलब k बराबर 4/3। तो इस केस में जो हमारे पास आ रहा है, ठीक है, जो k की वैल्यू आ रही है वो 4/3 आ रही है बेटा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं
अब हम लोग बात करते हैं जो वन वर्ड क्वेश्चन है, या बोले एक शब्द में उत्तर, उनकी बात करते हैं। एक शब्द में उत्तर देना है, ठीक है। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? तो किसी रैखिक बहुपद की घात जो होती है बेटा, वो एक होती है, ठीक है। किसी रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? एक। किसी द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है? दो। किसी त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है? तीन। तो सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए, बात करते हैं हम लोग कि नीचे किसी बहुपद पी एक्स के लिए वाई, किसी बहुपद पी एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, पी एक्स की शून्यकों की संख्या बताओ। तो शून्यकों की संख्या क्या होती है? ग्राफ दिया हुआ है ऐसा, तो शून्यकों की संख्या होती है कि वो वाई अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है। तो कितने बिंदुओं पर काट रहा है? वाई अक्ष, सॉरी, एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है? तो एक्स अक्ष पर ये दो बिंदुओं काट रहा है, इसलिए शून्यक जो हो जाएंगे, शून्यकों की संख्या इस केस में, शून्यकों की संख्या जो होगी बेटा वो दो होगी, ठीक है। इसमें शून्यक कितने होंगे? शून्यक दो होंगे, शून्यकों की संख्या। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दो, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे, टू टू मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। फिर भी देखिए, ये 2 मार्क्स क्वेश्चन दिए हुए हैं जो क्वेश्चन बैंक के अनुसार। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। इस बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल हमें दिया हुआ है, तो हमें बहुपद निकालना है, ठीक है। तो यदि हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है, तो हमें शून्य निकालना है। देखिए, तो मान लेते एक बहुपद है, इसके शून्यक, ठीक है। एक बहुपद ax2 bx+c एक बहुपद है, और इसके अगर शून्यक अगर हम लोग मानते हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और शून्य का गुणनफल होता है c/a। तो देखिए, हम लोग को मान लेते हैं कि इस बहुपद के जो शून्यक हैं, मान लेते हैं, माना कि मान लेते हैं जो बहुपद है, माना कि जो बहुपद है, बहुपद के शून्यक, अगर बात करें बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, ठीक है। तो अब हमें दिया है अल्फा प्लस बीटा, वो कितना दे रखा है? 1/4, ठीक है। और हमें पता है अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा दे रखा है -1, और ये होता है c/a। तो देखिए बेटा, अब यहां पे अपन थोड़ा सा तुलना करेंगे, ठीक है। तुलना करेंगे इसको, अल्फा इंटू बीटा, ये -1 है, तो -1 को देखिए इधर पे 4 है, तो हम लोग इसको 4 लाएंगे। तो 4 कैसे लाएंगे? हम लोग ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा ये? -4/4, तो c/a, ठीक है। अब हम लोग तुलना करेंगे दोनों तरफ। तो अगर हम लोग तुलना करें यहाँ, तो अगर हम लोग तुलना कर रहे हैं इधर, तो तुलना करने पर देखिए इधर पे a की वैल्यू कितनी है, अगर हम तुलना करें तो a की वैल्यू है 4, यहाँ भी a की वैल्यू कितनी है? 4। और b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है, यहाँ तुलना कर देते हैं, ठीक है। तुलना करने से हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी, a b और c की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, यहाँ ए का मान है 4, ठीक है बेटा। ए का मान कितना है? देखिए इधर पे तुलना कर रहे हैं हम लोग, तो तुलना कर रहे हैं हम लोग, तो तुलना जब हम लोग करेंगे, ठीक है, तुलना करने पर ए का मान जो है वो 4 है, ए बराबर 4 हो गया। और -b/1, मतलब b की वैल्यू कितनी है? -1। तो हमारे पास a की वैल्यू हो गई 4, b की वैल्यू हो गई -1, और यहाँ से तो मिल रहा है a की वैल्यू हो गई 4, इस केस में a की वैल्यू 4 है, और यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू -4। तो अगर हम ये वैल्यू इधर रख दें इस फार्मूले में, ठीक है, हमको तुलना करने पर a, b और c की वैल्यू मिल गई है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, a, b, c की वैल्यू को इस सूत्र में रख देंगे, तो जो हमारा बहुपद होगा,
ठीक है, हमारा जो बहुपद होगा वो क्या होगा बेटा? अब हमारा बहुपद जो हो जाएगा, जो बहुपद है, बहुपद बहुपद होता है ax2 bx + c, तो बहुपद हो जाएगा। और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4, तो 4x2। बी की वैल्यू कितनी है? -1, -1 × x। और सी की वैल्यू कितनी है? -4। तो बहुपद हो जाएगा 4x - x + 4। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ये है, इस बहुपद का जो मान होगा वो ये होगा। ठीक है, और समझ लेते हैं। देखिए, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है। तो मान लेते हैं कि वही कि इसके जो शून्यक हैं वो अल्फा और बीटा है। तो देखिए, शून्यकों का योगफल जो है, शून्यकों का योगफल α+β हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है √2। ये होता है -b/a। और शून्यकों का गुणनफल जो है उधर, वो α·β, वो होता है c/a। तो हमें उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? α·β की वैल्यू दे रखी है, α·β की वैल्यू हमें दे रखी है 1/3, और ये होता है c/a। देखिए, न्यूमिनेटर में दोनों के न्यूमिनेटर में, या बोले हर अंश में, हर में, ठीक है, ये अंश है, एक हो गया अंश और ये हर हो गया 3। तो दोनों के अगर हम लोग को बहुपद निकालना है और तुलना करना है, तो हमें दोनों के हर को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हर जो है 3 है, 1/3 है, और यहाँ पे कितना है? 1। तो हम लोग क्या करेंगे इस वाले में, ठीक है, योगफल में, शून्यकों का योगफल में हम लोग ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। किससे? ये √2/1 है, तो हम लोग यहाँ पे 3 से गुणा कर लेते हैं, तो -b/a। तो हमारे पास आएगा 3√2/3 − b/a। अब हम लोग तुलना करेंगे, तो अगर हम लोग तुलना करेंगे तो हमारे पास, अगर हम लोग तुलना करें तो तुलना करने से हमारे पास a का जो मान आएगा, a का मान आएगा 3 और c का मान आएगा 1। ठीक है, तो इस केस में a की मान आ रहा है 3, a का मान कितना आ रहा है? 3, और c का मान कितना आ रहा है? 1। ठीक है, यहाँ पे शून्यकों का योग। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें गुणनफल से, तो गुणनफल से अगर बात करें तो a का मान कितना है? 3। तो ये तो ठीक है, a का मान कितना आ रहा है? 3, a का मान 3। और यहाँ तुलना करेंगे तो ये -b/, मतलब b का जो मान आएगा, b का मान आएगा माइनस, ठीक है, क्योंकि -b/ √2 है, इसलिए b बराबर तुलना करने पर। ठीक है, तो यहां से बहुपद जो आएगा हमारे पास, बहुपद क्या आएगा बेटा? तो बहुपद जो आएगा हमारे पास बच्चों, बहुपद जो आएगा, बहुपद होता है हमारे पास ax2 bx + c। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी सेम यही चीज थी। तो ये आएगा 3, a का मान रख देंगे हम लोग, a का मान कितना है? 3, तो यहाँ पे 3 रख देंगे, और यहाँ b का जगह हम लोग लिखेंगे माइनस, तो -3√2x, और c का मान कितना है? 1। तो हमारे पास ये बहुपद आ गए, ये हमारा आंसर है, 3x² - 3√2x + 1, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए, फिर द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है, एक एक दिया है, फिर सेम क्वेश्चन, और ये तो और इजी क्वेश्चन है। तो शून्यकों का योगफल कितना दिया है? α+β, वो दिया है α+β 1 होता है, और ये होता है -b/a। शून्य का गुणनफल कितना दिया है? शून्य का गुणनफल दिया है 1, 1 दिया है, मतलब c/a। तो तुलना जब अपन करेंगे तो यहाँ पे लिख दे, अपॉन में लिख देते हैं इसके बटे में 1 और इसके बटे में 1। अगर हम तुलना करें तो यहाँ से a का मान आएगा 1 आएगा, a का मान कितना आएगा? a का मान तुलना करेंगे तो a का मान 1, और b का मान आएगा -1, क्योंकि -b/1, तो b बराबर यहाँ से आएगा -1। तो तुलना करने पर आ जाएगा b = -1। और अगर हम लोग यहाँ से तुलना करें, अगर हम लोग यहाँ से तुलना करेंगे तो a का मान आएगा 1, तो a = 1,
ए बराबर एक और सी बराबर आएगा बेटा, सी बराबर आएगा एक, तो सी बराबर एक, तो बहुपद क्या बन जाएगा, तो बहुपद जो होगा हमारा, बहुपद बहुपद होता है, बहुपद बहुपद जो होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो बहुपद रखेंगे ए वन एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है -1 इंटू एक्स, और सी का मान कितना है एक, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -x+1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इतने टाइप से, डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और बन जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए फिर वही शून्य को कोई योगफल, वही वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बेटा, सेम क्वेश्चन, फिर इसमें शून्य को कोई योगफल दिया है, बहुत इजी क्वेश्चन, रट जाएंगे आप अगर इस टाइप से करेंगे। तो अल्फा शून्य को कोई योगफल होता है दिया है, तो यहाँ पे -b/a, ठीक है, शून्य को कोई गुणनफल दो वो होता है c/a। तुलना कर लें दोनों तरफ, तुलना करेंगे अपन, यहाँ बटे में क्या कर लिख लें, इसके बटे में एक लिख लो और इसके बटे में भी एक लिख लो, तुलना कर लो, तुलना करेंगे तो यहाँ से a बराबर कितना आएगा, a बराबर एक, और b बराबर आ जाएगा -b/-3, तो b बराबर तीन, तो हमारे पास क्या आ गया, a का मान आ गया, a का मान आ गया एक और b का मान आ गया तीन, और यहाँ से तुलना करेंगे तो a का मान आएगा एक, a का मान एक, और यहाँ से तुलना करेंगे तो c का मान कितना होगा, c का मान होगा दो, तो बहुपद क्या बन जाएगा, तो हमारे पास जो बहुपद होगा, ठीक है, बहुपद क्या होगा, बहुपद बहुपद होता है ax2 bx+c, मतलब हो जाएगा 1x²(3x+2)। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब देखिए फिर सेम क्वेश्चन वही 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 सेम क्वेश्चन। अब बहुपद का योगफल दिया है और गुणनफल दिया है, तो बहुपद ज्ञात कीजिए। फिर अल्फा प्लस बीटा दे रखा है -1/4, शून्य को का योगफल वो होता है -b/a, है ना, कितना होता है -b/a, शून्य को का गुणनफल क्या होता है वो दिया है 1/4, वो होता है c/a। जब हम तुलना करेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 4। देखिए अगर आधार समान नहीं होता है, हर समान नहीं होता तो हर समान कर लेते हैं, लेकिन इस केस में ए का मान कितना हो जाएगा 4, बी का मान कितना हो जाएगा -b/-1, तो बी बराबर एक, तो बी बराबर एक, ए बराबर 4, यहाँ से ए बराबर 4 और सी बराबर एक, ठीक है। तो बहुपद क्या आया, जो बहुपद है ax²bx+c, तो बहुपद कितना हो जाएगा 4x²+1(x+c), तो ये आंसर। तो बहुत सेम क्वेश्चन, मतलब सेम एक जैसे क्वेश्चंस हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर आप लोग करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन का सलूशन मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन का सलूशन मैं नहीं बता रहा हूँ, आप खुद कर सकते हैं, खुद से करिए तो आपकी प्रैक्टिस होगी। अब देखिए जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 11 में, अब इसमें देखिए उल्टा है, बहुपद के शून्य ज्ञात करना है और शून्य को और गुणांकों में संबंध स्थापित करना है और सत्यता की जांच करना है, ठीक है। तो बहुपद के गुणांकों, ठीक है, बहुपद के शून्य निकालना है और उनके शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। देखिए बहुपद जो है वो हमारे पास है, ये बहुपद है, ठीक है, ये हमारे पास बहुपद दिया है इतना, ये हमारे पास एक बहुपद दिया है। अगर हम लोग तुलना करें इसकी, इससे करेंगे ax²bx+c से तुलना करें, ठीक है, तो अगर हम तुलना कर रहे हैं बहुपद की, ठीक है, px=x² की तुलना कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, की तुलना
एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से करने पर, अगर हम लोग तुलना करें इसकी, तो यहाँ से ए का मान मिलेगा एक, बी का मान मिलेगा -2 और सी का मान हो जाएगा -8। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ें मिल गई, ए का मान इतना है, ए का मान इतना है, ठीक है बच्चों, ए का मान इतना है, और ए का मान हो गया एक, बी का मान हो गया -2, ठीक है, और सी का मान हो गया -8। ये तीन वैल्यू हमारे पास हैं। ठीक है, अब हमको शून्यक निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग इस बहुपद के शून्यक निकालते हैं। ठीक है, इस बहुपद के शून्यक कैलकुलेट करते हैं, गणना करते हैं, बहुपद के शून्यक निकालते हैं। तो देखिए, शून्यक निकालेंगे, जो हमारे पास बहुपद है एक्स स्क्वायर 2x, तो पी एक्स मान लेते हैं इसको, पी एक्स क्यू एक्स जो मानना हो, तो इसके शून्यक निकालेंगे। तो ऐसे दो नंबर सोचना है जिनका मल्टीप्लाई करने पे -8 आए और घटाने पर कितना है, घटाने पर -2। तो ऐसे ही होता है, दो नंबर हमारे पास होता है -4 × 2, -8 आएगा, और -4 और 2 को जोड़ेंगे तो -2 आएगा। तो इस केस में हम लोग लिख सकते हैं -4x + 2x - 8। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जोड़े बना लो, पेयर बना लो, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, x कॉमन ले लो, तो x - 4, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो x - 4, तो यहाँ से आ जाएगा x - x + 2 और आ जाएगा x - 4। ठीक है, हमारे पास ये दो गुणनखंड आ गए। तो यहाँ से हम लोग शून्यक निकाल लेंगे, शून्यक, ठीक है, तो शून्यक निकालना है हमें। तो अब हम लोग शून्यक कैलकुलेट कर लेते हैं इस बहुपद के। तो शून्यक कैसे निकालते हैं, शून्यक निकालने के लिए x + 2 = 0 या फिर x - 4 = 0। तो यहाँ से x - -2 और x = यहाँ से 4 आ गए, तो ये शून्यक आ गए। ठीक है, तो अब शून्यकों का योगफल निकालें, शून्यकों का योगफल मतलब इन दोनों को जोड़ें, -2 + 4 कितना आ गया, ये आ गया 2। योगफल निकालना, शून्यकों का योगफल कितना आ गया 2। देखिए, 2 को लिखने का तरीका जो है, ये 2 आया है जो हमारे पास, इसको हम लोग दूसरे तरीके से लिखेंगे। हम लोग लिख सकते हैं इस 2 को, जो शून्यकों का योगफल आया है वो लिखेंगे 2, लेकिन हम लोग इसको लिख रहे हैं -2/1, तो इसको हम लोग लिखेंगे -b/a। ठीक है, क्योंकि माइनस ये क्या है, -2 क्या है, -2 है x का गुणांक, -2 जो है x का गुणांक है, और a क्या है, ये 1, 1 है x स्क्वायर का गुणांक। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं तुलना करने पर, ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका होता है ऐसा। अभी एक क्वेश्चन और करेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। -b, तो -b क्या है, देखो माइनस और b क्या है, ये 2 क्या है, माइनस को छोड़ दो, और 2 क्या है, x का गुणांक है, और एक 1 क्या है, 1 1 है एक्स स्क्वायर का गुणांक, 1 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये संबंध होता है। इसी तरह अब हम लोग निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। अपन ने अभी क्या निकाला, युगफल। तो शून्यकों का गुणनफल निकालो, तो शून्यकों का गुणनफल करेंगे -2 × 4, ये कितना आएगा, -8। -8 आएगा, इसको हम लोग लिखेंगे -8 को माइनस, ठीक है, तो ये क्या है, देखिए माइनस ये क्या है, 8c/a, तो ये चीज क्या है, -8 जो है, -8 क्या है, अचर पद, अचर पद है, और 1 क्या है, ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो 8 जो है, जो 8 है वो है अचर पद, 8 क्या है,
अचर पद, अचर पद, और वन क्या है, वन है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये शून्यक शून्यक हो गया, शून्यक का योगफल और गुणनफल हो गया, शून्यकों का योगफल गुणनफल का उसके गुणांकों के साथ संबंध है ये। तो आपको ऐसा करना है क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन और करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, इसके शून्यक निकाल लीजिए। देखिए है ना, तुलना करेंगे अगर अपन लोग 3x² - x + 4, इसकी तुलना अगर करेंगे तो a का मान आएगा 3, b का मान आएगा -1 और c का मान आएगा -4। आप थोड़ा मैं स्पीड में बताऊंगा आपको, एक क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये वैल्यू आ गई। अब बात करें इसके शून्यक निकाल लेते हैं। तो 3x² - x + 4, इस पी एक्स या इस बहुपद के शून्यक निकालना है। तो दो नंबर हमें सोचना है, दो संख्याएं सोचना है जिनका गुणा करने पे कितना है -12 और घटाने पर 1 आए। तो ऐसे दो नंबर हमारे पास हैं 4 और 3। तो ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि 4 + 3 = 12 होता है, 4 में से। तो यहाँ से 3x² - 4x, यहाँ से अपन पेयर बना लेंगे 3x - 4, यहाँ से कॉमन ले लेंगे x, तो 3x - 4 + 3x - 4, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x + 1 × 3x - 4, ठीक है। हमारे पास ये दो गुणनखंड आ गए। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से हम लोग शून्यक निकाल लेते हैं इस बहुपद के शून्यक। तो क्या आएगा देखिए, इस बहुपद के शून्यक अगर हम लोग निकालेंगे शून्यक, तो x + 1 = 0, एक बार 3x - 4 = 0, तो x - 1 और 3x = 4 और x = 4/3। तो ये दो शून्यक आ गए। अब हम लोग निकालेंगे शून्यकों में संबंध, ठीक है। तो शून्यकों में संबंध, तो सबसे पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग या योगफल, शून्यकों का योगफल निकालना है। मतलब अल्फा प्लस बीटा, अगर हम लोग इसको अल्फा बोले इसको बीटा बोले, तो शून्यकों का योगफल दोनों को जोड़ेंगे -1 और 4/3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम कितना आ गया 3, 3 का यहाँ गुणा -3 + 4, तो कितना आ गया ये 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा जो आ गया वो 1/3, इसको हम लोग थोड़ा लिखेंगे -−3, ऐसे लिखा जा सकता है इस पन को। देखिए ये क्या है, -1 क्या है, अगर ध्यान से देखें तो -1 जो है, -1 यहाँ पे जो -1 है, ये जो -1 है वो क्या है, x का गुणांक है, x का गुणांक। और 3 क्या है, x स्क्वायर का गुणांक। ये तो हो गया शून्यकों का योगफल। अब बात करते हैं शून्यकों का गुणनफल की, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। अब वीडियो को ध्यान से देखें और हर चीज़ को नोट करते जाएं, समझते जाएं। अल्फा इंटू बीटा हमें निकालना है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब इन दोनों का गुणा कर देना है, -1 और 4/3 का दिया गया -4/3। अगर हम लोग बात करें ध्यान से देखें तो 4 क्या है, 4 जो है वो है अचर पद, कांस्टेंट टर्म है, और 3 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग शून्यक निकाल सकते हैं और शून्यक और उनके गुणांकों के बीच में संबंध निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये -4 क्या है, -4 जो है वो अचर पद है, कांस्टेंट, ये सी है, अचर पद है, और 3 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब उसके आगे लिखा है, ये चीज़ है। अब इसी तरह आप बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं, मैं नहीं करा रहा हूँ, 13, 14 ये आप खुद करिए तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आप बिल्कुल इसी स्टेप इस चीज़ को फॉलो करिए जैसा मैंने सिखाया है, ठीक है। इनके सॉल्यूशन आपको मतलब बुक में इनके आंसर मिल जाएंगे, आप खुद प्रयास करिए, ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए लास्ट में हम लोग बात कर लेते सत्य असत्य के, ये छूट गए थे क्वेश्चंस, तो हम लोग सत्य असत्य देख लेते हैं। सत्य असत्य क्या है इसमें, बीजी व्यंजक, इस व्यंजक ये बहुपद है कि नहीं, तो बेटा ये बहुपद नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि x square 2√x + 7 में
एक्स स्क्वायर, ये जो रूट एक्स है, रूट एक्स मतलब पावर होती है 1/2। तो अपन बहुपद की परिभाषा से जानते हैं जो बहुपद होता है उसकी पावर जो होनी चाहिए, घात होनी चाहिए, वो क्या होना चाहिए, वो एक पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक, जिसमें से ये भिन्न है मतलब 1/2, तो ये बहुपद नहीं है, मतलब तो ये चीज़ सही है। बीजी व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 2√x+7 बहुपद नहीं है, मतलब ये सत्य है, ये एक बहुपद नहीं है, तो ये बात सत्य है। शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, सत्य है, शून्य बहुपद है तो उसकी घात क्या होगी, शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, नहीं गलत, शून्य शून्य बहुपद की घात जो होती है वो क्या है, शून्य बहुपद की घात जो होती है वो अपरिभाषित है, तो ये शून्य नहीं होती, शून्य है ना, कोई शून्य है तो उसकी घात, क्योंकि शून्य को एक्स स्क्वायर 0 × x भी लिखा जा सकता है, 0 × x^3, तो इसकी घात अगर ऐसी बात करेंगे तो 2 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, मतलब ये परिभाषित नहीं है, तो शून्य बहुपद की घात शून्य है, ये असत्य है, ये बात क्या है, असत्य है, ठीक है, तो इसका आंसर असत्य है, क्योंकि शून्य को हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, इसलिए ये बात असत्य है। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है, अभी जो बात अपन ने की है ना, ये सत्य है, ये सत्य कह रहा है, क्योंकि उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। एन एन घात वाले बहुपद की अधिकतम जो होते हैं, एन घात वाले बहुपद के अधिकतम एन शून्य होते हैं, सत्य है। बहुपद की घात जितनी होती है, जैसे एक्स स्क्वायर द्विघात बहुपद होता है तो इसके शून्यक भी 2 ही होते हैं, त्रिघात होता है तो उसके शून्यक भी क्या होते हैं, 3। तो इस तरह से हम लोगों ने अध्याय 2 में जितने भी क्वेश्चंस थे है ना, उनके हम लोगों ने सोल्यूशन देखे। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है और हर क्वेश्चन को समझा है तो आप क्वेश्चन बैंक के हर क्वेश्चन को कर सकते हैं और आपसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन से जो 6 मार्क्स क्वेश्चन आने हैं वो आप कर पाएंगे, 6 नंबर आपके पक्के हैं, अगर आपने इस वीडियो को भी अच्छे से देखा है और इसके सोल्यूशन को समझा है तो आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करेंगे। तो मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में, अगले चैप्टर में, किसी और चैप्टर का हम लोग सोल्यूशन करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।